अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड वी नॉट एंड एट कांस्टेंट हाइट एच। एरोप्लेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड वी नॉट है उसकी और हाइट उसकी एच है। शो दैट इफ अ गन इज फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट एरोप्लेन आफ्टर इट हैज़ पास्ड डायरेक्टली ओवर द गन व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एज सीन फ्रॉम गन इज अल्फा द शेल विल हिट एरोप्लेन प्रोवाइडेड दैट ये वाली इक्वेशन वेयर वी इज इनिशियल स्पीड ऑफ शॉट द पाथ बीइंग अज्यूम्ड पैराबोलिक। इसकी सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। एरोप्लेन की हाइट जो है वो ये पॉइंट ए है। एरोप्लेन इधर है। एरोप्लेन ने तो स्ट्रेट मूव करना है ना, ऐसे एरोप्लेन जा रहा है। यहाँ ये पॉइंट है जहाँ एरोप्लेन है कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा है और इसकी हाइट एच है। यहाँ तक ये इतनी हाइट एच है। सिंपल। अब गन यहाँ से स्टार्ट हुई है ओरिजिन से। गन ने मूव करना स्टार्ट किया ऐसे, यहाँ तक गन मूव किया। अब वो यहाँ पर बी पॉइंट पे जो एरोप्लेन है उसका और जो गन जा रही है, गन और एरोप्लेन दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट बी पे। तो ये पॉइंट बी जो है इसका हमने यूज़ करना है जब दोनों मिलेंगे, एरोप्लेन और गन दोनों जब जिस पॉइंट पे ये दोनों सेम एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ गन एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ओ जो है यहाँ टाइम ज़ीरो है। एरोप्लेन कहाँ पर है? एट ए। हाइट ऑफ एरोप्लेन एच, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा। आफ्टर टाइम टी एरोप्लेन इज़ एट बी। कुछ टाइम बाद एरोप्लेन बी पे पहुँच जाएगा और उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ओ डी एच, क्योंकि इसको हमने ए बी सी डी नाम दे दिया। अब जो यहाँ पर है इसका एक्स और वाई क्या है? ओ से लेके डी तक डिस्टेंस है, तो यानी ये एक्स इसका ओ डी हो गया और हाइट इसकी वाई एक्सिस क्या है इसका? एच। हाइट एच हो गई, ओ डी एच ये पॉइंट आ गया। अब ओ डी इज़ इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी डी। ये ओ डी है ना, ये ओ डी है। ओ डी इज़ इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी इन ट्राइंगल ओ ए सी। ओ ए सी ये वाली ट्राइंगल जो एक ले लेते हैं हम, ओ ए सी जो ट्राइंगल है उसमें कैसे हम टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे? टेन का फॉर्मूला क्या है? टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? एज हाइट, और बेस क्या है? ओ सी, एज ओवर ओ सी। तो यानी टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एज ओवर ओ सी, ओ सी इज इक्वल्स टू एज ओवर टेन अल्फ़ा, यानी ओ सी की वैल्यू निकल आई है। अब हमने ओ डी निकालना है ना, तो उसके लिए ओ सी और सी डी ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करके हमने ओ डी में पुट कर लेनी है, ठीक है। अब ओ सी निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब सी डी कैसे निकालना है? सी डी जो है ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू हाइट। ये ए सी और ये बी डी, ये एरोप्लेन यहाँ मूव कर रहा है, तो यानी एरोप्लेन की ये हाइट ए सी, बी से डी तक भी हाइट सेम रहेगी। ए सी और बी डी दोनों एच हैं। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एच ओवर ओ सी, ये इधर इसका अगला स्टेप इधर लिख दिया है, ये स्टेप नहीं आना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। ओ सी इज इक्वल टू एच ओवर टेन अल्फ़ा, एच कोट अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा जो ऊपर गया, वन ओवर टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कोट अल्फ़ा होता है, तो एच कोट अल्फ़ा। ये क्वेश्चन टू बन गई। दो इक्वेशन अभी बन गई, इक्वेशन वन ओ डी वाली है और इक्वेशन टू ओ सी। ओ सी निकल आया है। अब सी डी निकालना है और उसके बाद उसको इस इक्वेशन वन में पुट करना है। अब ओ सी जो है ये तो निकल आया, सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू वी नॉट टी। सी डी ये, ए बी ये दोनों क्या है? वी नॉट टी है, क्योंकि जब ए से बी तक जब जो डिस्टेंस हुआ तब उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी। एरोप्लेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया, वी नॉट से वो मूव करने लग गया और टाइम टी में वो यहाँ पहुँच गया, तो यानी वी नॉट टी। इसमें सी डी और ए बी इज इक्वल्स टू वी नॉट टी है। सी डी इज इक्वल टू वी नॉट टी। अब सी डी और ओ सी निकल आया, अब उसको इसमें पुट करना है।
पुट इक्वेशन टू और थ्री इन वन, एच कोट अल्फा प्लस वी नोट टी, ओ डी इज इक्वल्स टू वी कोस अल्फा टी। ये दूसरा एक ओ डी की वैल्यू हमने ये निकाल ली है ना, लेकिन ओ डी इज इक्वल टू वी कोस अल्फा टी भी है, क्योंकि क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री है उसके हिसाब से हमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री में एक्स जो होता है, ये एक्स है ना, ओ से डी तक ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वी नोट टी कोस अल्फा होता है। तो इसलिए ये वाला वी नोट कोस अल्फा टी हो गया, वी कोस अल्फा टी। ओ डी जो है, वी नोट तो तब था ना जब रेस्ट हो रहा था ए पॉइंट पे, अब बी पॉइंट पे वी आ गया। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो वी, वेयर वी इज़ इनिशियल स्पीड ऑफ शॉट, इनिशियल स्पीड ऑफ शॉट क्या है, वी है, इसलिए ये वी कोस अल्फा टी है। अब ओडी की दो ही क्वेश्चन आ गई हैं, उनको कंपेयर करना है। एच कोट अल्फा प्लस वी नोट टी इज इक्वल टू वी कोस अल्फा टी। एच कोट अल्फा इज इक्वल टू वी कोस अल्फा माइनस वी नोट, ये कॉमन ले लिया टी। टी इज इक्वल्स टू एच कोट अल्फा ओवर वी कोस अल्फा माइनस वी नोट, टी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री में से हमने वाई की वैल्यू लेनी है। पहले हमने एक्स की वैल्यू से हमने ये निकाला है ना, ओ डी इज इक्वल टू वी कोस अल्फा टी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री में से वाई लेना है, वाई इज इक्वल टू वी साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू वी साइन, अब वाई की जगह हमने क्या लिखना है, इक्वेशन वाई क्या है, हमारा हाइट है एच, तो वाई की जगह एच लिख दिया, वी साइन अल्फा टी की वैल्यू डाल दी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू डाल दी, टी की वैल्यू हमारे पास थी, हमने टी की वैल्यू डाल दी इसमें, और वाई की जगह एच लिखा है क्योंकि हाइट है वाई। एच इज इक्वल टू एच वी साइन अल्फा कोज अल्फा, ये कोट अल्फा जो हो गया ये कोज अल्फा ओवर साइन अल्फा आ गया, नीचे वी कोज अल्फा माइनस वी नोट माइनस हाफ जी एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा वी कोज अल्फा माइनस वी नोट का होल स्क्वायर। एच इज इक्वल टू एच वी साइन अल्फा, साइन अल्फा कट गया, एच एच कॉमन ले लिया हमने, एच इधर भी है और एच इधर भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो कॉमन हो चला गया, तो यहाँ बच गया वी कोज अल्फा ओवर वी कोज अल्फा माइनस वी नोट, और यहाँ पर एक एच कॉमन हो गया, तो जी एच कोट स्क्वायर अल्फा ओवर टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट का स्क्वायर। एच दोनों साइड्स पे था, वो कट हो गया, यहाँ वन आ गया और यहाँ वी कोज अल्फा, बाकी ये सारी टर्म आ गई यहाँ पर। अब वन इज इक्वल्स टू टू वी कोज अल्फा, अब इसका एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम लिया है टू कोज वी कोज अल्फा माइनस वी नोट का स्क्वायर, ये वाली टर्म ले ली है, ये एलसीएम लिया है, टू वी कोज अल्फा आ गया, ये इतनी टर्म तो यहाँ पर थी ही, बाकी जब एलसीएम लेना तो अब सबको ही आता है, टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट माइनस जी एच कोट स्क्वायर अल्फा। अब ये वाली टर्म इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट का स्क्वायर, बाकी सारी ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई, टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट का स्क्वायर माइनस टू वी कोज अल्फा, ये वाली जो ये वाली टर्म है ये हमने दूसरी साइड पे ले गए, माइनस टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट इज इक्वल्स टू माइनस जी एच कोट स्क्वायर अल्फा। टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट, ये क्या किया, यहाँ पर क्या था, टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट, इसमें से ये वाली टर्म कॉमन ले लिया, वी कोज अल्फा माइनस वी नोट, वी कोज अल्फा माइनस वी नोट, ये वाली टर्म कॉमन लिया, वी कोज अल्फा माइनस वी नोट कॉमन लिया, टू वी कोज अल्फा माइनस वी नोट ये कॉमन ले लिया। जब ये इतनी टर्म कॉमन ले लिया है तो वी कोज अल्फा माइनस ये स्क्वायर है एक रह जाएगा, वी कोज अल्फा माइनस वी नोट एक रह जाएगा, और यहाँ से माइनस टू वी कोज अल्फा ये तो कॉमन आ जाएगा, वी कोज अल्फा माइनस वी नोट और माइनस वी कोज अल्फा ये आ गया। अब इज इक्वल्स टू माइनस जी एच कोट स्क्वायर अल्फा। अब अगला स्टेप क्या है, टू वी कोज अल्फा
माइनस वी नॉट, वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट माइनस वी कोज अल्फ़ा, ये और ये कटिंग हो गई, वी नॉट रह गया जो कि माइनस वी नॉट है, तो ये टू माइनस वी नॉट वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट, और यहाँ माइनस जी एच कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस दोनों साइड से कट हो गया, टू वी नॉट स्क्वायर वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये जो कोट स्क्वायर था ये इस साइड पर जाएगा तो वन ओवर कोट स्क्वायर हो जाएगा, और वन ओवर कोट स्क्वायर जो होता है वो टेन स्क्वायर होता है, वन ओवर कोट स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर बन जाएगा, टेन स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू जी एच, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। और इसकी हिंट ये है कि ये डायग्राम पे ध्यान देना है, कि डायग्राम में जो एरोप्लेन है ये एरोप्लेन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, ये गन की मोशन है, एरोप्लेन ए पॉइंट पे ही है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि बी का पॉइंट निकालना है, बी का पॉइंट ओ डी और एच, हाइट एच और ओ डी, ये ओ डी एक्स, ओ डी और एच है, ओ डी निकालना है हमने, ओ सी प्लस सी डी, ओ सी निकालना है, सी डी निकालना है, और ओ डी, ओ डी में पुट कर देना ओ सी और प्लस सी डी। फिर क्या करना है, ओ डी की जो दूसरी वैल्यू है इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री से, ओ डी की वैल्यू जो आती है वी कोज अल्फ़ा टी, ओ डी ये वाला और दूसरा ओ डी, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करके टी की वैल्यू निकालनी है। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री की एक्स की वैल्यू यूज़ कर ली है हमने, अब वाई की वैल्यू यूज़ करनी है, वाई की वैल्यू लिख के उसके अंदर टी हमारे पास है, टी पुट कर दिया, वाई की जगह हमने एच लिखना है क्योंकि हाइट हमारी एच है, वाई वर्टिकल कंपोनेंट, और उसके बाद सिर्फ ये कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि हमारा आंसर जो हमें बताया हुआ है यहाँ रिक्वायर्ड है वो बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन उसके हिसाब से करनी है, बस सिंपल। इसकी हिंट यही है कि डायग्राम याद हो तो डायग्राम से याद आ जाएगा कि ओ डी कंपेयर करना है।